नमस्ते एवरीवन। तो आज हम एग्रीकल्चर ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी हिंदी में सुनेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारा हमारा दोस्त हिंदी में पूछ रहे थे। तो देखिए, मैं इंटरव्यू दिया हूँ और मेंस भी 2 बार दिया हूँ, PhD फ्रॉम माई एयर। ठीक है, तो कोई गाइडेंस या हेल्प के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले से हम ये बात करेंगे कि कौन ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल चूज करना चाहिए। देखिए, जिसके पास भी है ना, जैसे कि बायोलॉजी में उनकी बैकग्राउंड है 12th में, तो वो आराम से चूज कर सकते हैं। अदर्स भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए तो इतना दिक्कत होने की संभावना कम है। और जिसने भी BSc एग्री किया है तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, और आप डेफिनेटली ऑप्शनल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका स्कोरिंग चांस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप जब देखेंगे जैसे कि सक्सेस रेट इन UPSC, तो इसमें 10 से 15% है। आप कहीं पे भी UPSC के जो वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो है, तो वो काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है। ठीक है, और जो भी है ना अभी का प्रेजेंटली, तो 280+ ही बहुत हाई स्कोर है। ठीक है, पहले था कि कोई बोलता है आपको कि 300+, 320, 330, ये सब होता सम 3 years बैक। अभी तो नहीं है। क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि हम खुद हमने इस ऑल स्टेजेस पे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए। लेकिन अभी और एक बात है, जैसे कि और भी टॉप स्कोरर्स जो भी इस साल टॉप 100 में हैं, सम ऑफ देम 250 के अराउंड भी स्कोर है, 250-260। ठीक है, लेकिन इनका GS में बहुत ज़्यादा स्कोर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि या इजीली ऑप्शनल में आप अच्छे स्कोर कीजिए 280+, और GS में अबो एवरेज भी करेंगे फिर भी हम अराउंड 100 रैंक पे आ सकते हैं, कीपिंग दैट ऐसे में आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट रख के चलिए, और ये हो सकता है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल में जो मैं देखा कि, क्योंकि मैं गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस है, बहुत लैक ऑफ गाइडेंस है। जो भी इवन भी पढ़ा रहे हैं या कोई भी आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनसे पूछना वेदर दे नो UPSC, बिकॉज कोर्स करने से, मीन्स कोर्स मैंने आप BSc एग्री करने से, इससे पूरा आप इक्विप नहीं होंगे कि ये जो UPSC का पैटर्न समझने के लिए। ठीक है, तो जब हम हैं जो UPSC की प्रोसेस में है और हम सभी स्टेजेस में गए हैं, तो आप, मैं आपको बेटर गाइड कर सकता हूँ और आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे हम रॉ आंसर लिखते हैं कि बस बुक में जो है, लेकिन जब भी UPSC में आते हैं आता है तो हमको पॉलिसी ओरिएंटेड आंसर लिखना है कि उसके इम्प्लीकेशन क्या है, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सब हमारा इम्पोर्टेंस रखती है। और जो भी टॉपिक से करंट अफेयर से लिंक करके हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ICAR का वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। ठीक है, और डाटा पॉइंट्स बनाइए, तभी आपको अच्छे स्कोर मिलेगा, नहीं तो बस एवरेज स्कोर मिलेगा। ठीक है, और जैसे कि आप देखोगे ना ब्रॉड एनालिसिस, पेपर 1 में ज़्यादातर ऐसा लगता है कि बहुत जनरल है या कुछ खास नहीं है। ठीक है, जैसे GS जैसा ही है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको बहुत एवरेज स्कोर मिलता है, बहुत लोगों को इतना ही मिलता है, 100-110 के आसपास मिलता है, क्योंकि इसमें हम वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो जाते जाते क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे 100 या 110 से हम 130-140 तक पहुंचे। ठीक है, यही प्रैक्टिकल स्कोर है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा 150-160 मिल जाएगा, ना ना ना, अभी का जो है ऐसा। ठीक है, और जो पेपर 2 है ना, ये बहुत टेक्निकल है, और इसमें भी है ना आपको बहुत सारा जैसे टेक्निकल चीज, की पॉइंट्स जानना है। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। इसमें भी क्या होता है ना, जैसे कि स्टूडेंट्स पता है जो 80-90 भी स्कोर करते हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं जो 140-150 भी स्कोर करते हैं, तो इतना सारा डिफरेंस है। तो इसमें से तो मान के चलिए कि किसी को 100 आ रहा है और किसी को 130-140 आ रहा है, तो बस मान लो कि उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ और किसी का रैंक लग गया। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली सब्जेक्ट्स को देखना। ठीक है, और स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कैसे नोट्स मेकिंग करें, क्योंकि हमको तो पता ही है ये सब, लेकिन नोट्स कैसे करें? देखो यार, जैसे कि एक टॉपिक होता है तो आपको क्या करना है,
एक टॉपिक लो ले लीजिए और उस टॉपिक पे सभी पी वाई क्यू लिखिए, ठीक है, पी वाई क्यू लिखिए और वो पी वाई क्यू को आपको नोट्स में बनाना है, उसको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी नोट्स आपको बनाना है, पहले फर्स्ट राउंड रिवीजन, ठीक है। और जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे बायो फर्टिलाइजर एक टॉपिक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए बायो फर्टिलाइजर अंडर कंस्ट्रेंट, ठीक है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रेंट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट डिस्कस द काइंड ऑफ बायो फर्टिलाइजर, काइंड, ठीक है, एंड द एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन, ठीक है। डिफरेंशिएट एंड एलोबरेट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर, तो ये भी सेम है। तो ये चार के ऊपर आप नोट्स बनाएंगे ना, बस आपका मोस्ट ऑफ द चीज कवर हो जाएगा और आपको और बहुत ज्यादा नया करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमको करना है, सभी टॉपिक्स को लीजिए और ऐसे उसके क्वेश्चन को बाइफरकेट कीजिए और एटलीस्ट एक इस टॉपिक पे मान लो एक पेज की नोट्स बनाओ, काइंड में एक पेज की नोट्स, एप्लीकेशन में एक पेज की नोट्स, इसका एक पेज की नोट्स, और इसको लास्ट में और भी कंप्रेस करके हम एक ही पेज में एक पूरा टॉपिक को ले आना है, ये स्लोली हम सीखेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही जो भी टॉपर से ये करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2024 आपका टारगेट है, इसको आपको करना पड़ेगा कि आपके पास बहुत टाइम नहीं है, ये मत सोचना कि मेरे पास एक साल है, नहीं, आपका पास भी बहुत टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। जैसे कि आपको है ना, देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में आपको बेसिक स्टडी मटेरियल ना और बेसिक एग्रीकल्चर ऑप्शन की तैयारी करनी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो, ऐसे नहीं है। आप अग्री किए हो तो खुद भी आप अच्छे से पढ़ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी पढ़ा रहा है उनका भी क्रेडेंशियल्स आपको जानना है, तभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो मार्च अप्रैल मई में मैं सजेस्ट करूंगा आपको पेपर वन का पूरा कंप्लीट करना है मई 15 तक, ठीक है, टारगेट अभी से बनाइए मई 15 तक, और मई 15 से जून जुलाई तक आपको पेपर टू पूरा खत्म करना है। एवरी डे एक टॉपिक लीजिए, ठीक है, और उसको खत्म करने में लग जाइए, और जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में है रिवीजन करिए और टेक्स्ट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यूपीएससी में देखो कितना भी आप पढ़ो, पढ़ना तो है ही, लेकिन जब तक आप नहीं लिखोगे, इफ यू डोंट राइट, कोई भी मीनिंग ही नहीं है, देयर इज नो मीनिंग, ओके। तो नवंबर दिसंबर में इसका सब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और पूरा नोट्स रेडी रहना, क्योंकि जैन से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। जैसे ही आपको प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया 24 में, आपको डायरेक्ट नोट्स रेडी है, बस आपका तो अगर बस सही नंबर लेके आना, यही आपका स्ट्रेटेजी बनना है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, तो मैं पहले वीडियो में भी बताया हूँ कि कैसे एक एक सिलेबस को अप्रोच करना है, और ये पूरा हम सेपरेट क्लास लेंगे एक एक को, ठीक है। मैं इन जनरल एक एक दो चीज बताऊंगा, जैसे कि मान लो जीएस के बारे में पूछ लिया, रिमोट सेंसिंग के बारे में, यहाँ करंट अफेयर का नॉलेज लिखिए, जैसे कि चमन स्कीम है, ठीक है, फसल है, ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज है जो एग्रीकल्चर में इन रिसेंट टेक्नोलॉजीज का यूजफुल है, तो ऐसे एग्जांपल्स आएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और जो एग्रोनॉमी एंड फॉरेस्ट्री, इसमें सब डाटा पॉइंट्स, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप बताइए, जैसे ऐसे ही नहीं कि बस ऑर्गेनिक फार्मिंग ये है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, वो नहीं, पहले बताइए क्या है डेफिनेशन, अभी बताइए एरिया क्या है, कितना है, ठीक है, इंडिया में क्या है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कौन सा क्रॉप्स में पोटेंशियल है, गवर्नमेंट का स्कीम्स कौन सा है, कौन सा स्टेट्स में ये चल रही है, ठीक है, ऐसे हमारा पॉलिसी एंगल में हमको सोचना है, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इसमें तो खास नहीं है, ठीक है। ये सब आप बेसिक्स थिंग्स पूरा नोट्स बनाना है, जैसे एक एक टॉपिक को भी पढ़ना है और नोट्स बनाना है हमको, ठीक है। जैसे कि ड्रेनेज हो गया, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब एक एक पॉइंट को भी आपको एक एक दो दो पेज का नोट्स बनाना है, बहुत सही में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्री इकोनॉमिक्स, इसमें आपको बहुत करंट अफेयर्स का ऑप्शन है, स्कोप है, एक एक टॉपिक को भी ना आपको रिलेट कर सकते हैं, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है, हमारा जो करंट का स्कीम्स है उसको लेके आ सकते हैं, और जो भी इसमें है ना इकोनॉमिक सर्वे और बजट का बहुत सारा यूज हो सकता है, ऐसे आप तो इसको ऐड करेंगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओ है, ठीक है,
एनजीओ एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है, ऐसे एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्मल नहीं, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही है, तो ऐसे एनजीओ का भी हम नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो जेनेटिक्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जेनेटिक्स, क्लासिकली और सीड साइंस, ये है की, ठीक है। ये तीनों आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या पेपर वन स्टार्ट करो या पेपर टू स्टार्ट करोगे, तो ये तीन तो आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना पड़ेगा एक एक टॉपिक को। इसमें बहुत ब्रॉड है, ठीक है, तो इसके लिए मैं बताऊंगा आप पीवाईक्यू पे ज्यादा रिलाई करें और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका नोट्स बनाए, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी आपको। जैसे मैंने बताया मेन्यू एडिशन आपको करना है, कैसे करना है, आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, जैसे कि मान लो मिलेट्स पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हम क्या बता रहे हैं, तो भाई अन्ना, ठीक है, ये बजट में यूज किए वर्ड, तो ये सब यूज करना है, एक डायग्राम हो गया, ठीक है हमारा, जैसे कि पॉवर्टी भी टॉपिक है पेपर टू में, तो उसमें भी लाइफ साइकिल डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, और जो फैक्ट्स करंट अफेयर्स ये सब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब आपको वैल्यू एडिशन करेगा और आपके स्कोर 80-90 से आपको लेके जाएगा 130-140, तो इसलिए इस पे जुड़ते रहिए, मैं और भी वीडियोस बताते रहूँगा, ठीक है। ये तो कॉमन बुक लिस्ट है, आप फिर भी देख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे अभी न्यू क्वेश्चंस भी आ रही है, जैसे इस साल आया क्वेश्चंस, इस साल भी नया नया क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, जैसे 21 में आया था साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्टेप्स पूछे थे, ये तो फर्स्ट टाइम पूछे थे, ठीक है, लेकिन साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तो एवरी ईयर पूछते हैं, तो नेक्स्ट ईयर स्टेप्स पूछते हैं, तो ऐसे ही आपको जो भी क्वेश्चन देखोगे उसका नेक्स्ट लेवल को भी हमको सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे इवन फिजियोलॉजी पे भी उन्होंने पूछ लिया, ठीक है, नया क्वेश्चन जो हॉर्मोन्स है उसका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो हमको वन स्टेप अहेड होना चाहिए। जैसे कि पीवाईक्यू 80% आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन 20% आपको जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है उसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये सब बता दिया आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़िए और कोई भी हेल्प चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये व्हाट्सएप नंबर है इसको नोट कीजिए, और आपको कोई हेल्प चाहिए मैं हेल्प करूँगा आपको पर्सनल मेंटरशिप के लिए इफ़ यू नीड, ठीक है, या पीवाईक्यू के लिए या मेंस के लिए, बहुत सारा स्टूडेंट्स लिख रहे हैं टेस्ट, तो आपको इसमें एडवांटेज है कि जो खुद गया है और खुद का पेपर इवेल्युएट हुआ है वो आपको इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है, इवेल्युएट वो कर रहा है जिसका पेपर इवेल्युएट हुआ है और उसको पता है उस एग्जाम कंडीशन में कैसा रहता है, ये नहीं कि कोई भी आके ऐसे किसको पता नहीं है या कोई अटेंड ही नहीं किया है मेंस एग्जाम वो आपको करेक्शन करेगा तो आपका क्या फायदा है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक आंसर है, जैसे कि ये आईपीएस है रामकृष्ण सारंसन, इनका पेपर है, इन्होंने भी हमारे साथ जो टेस्ट लिखे थे तो उसका क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन यहाँ मैं दिया हूँ, और भी क्वेश्चन आंसर उनका हमारा टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए, वहाँ उनका आंसर शीट है, रामकृष्ण सारंसन जो आईपीएस है, तो उन्होंने क्या किया है, पहले इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, उसका पॉइंट्स दिए हैं, जैसे जेनेटिक बेस ऑफ हेटरोसिस में तीन है, फर्स्ट डोमिनेंस दिया, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल दिया, देखो सीखना है, और ऑब्जेक्शंस भी दिया, जैसे बॉक्स बना के दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट ओवर डोमिनेंस दिया, नेक्स्ट एपिस्टेसिस दिया, और इसमें भी पूरा डिटेल, लेकिन उन्होंने कंक्लूजन मिसिंग है, ठीक है, तो कंक्लूजन लिखते तो और भी इनको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाते, ठीक है, तो सभी इसमें हमको अपॉर्चुनिटी है कंक्लूजन लिखने की और हमको यूटिलाइज करना है। तो और भी जैसे कि सम पीपल आस्क की नोट्स कैसे बनाना है, जैसे ये टॉपिक देखिए साइटोप्लाज्मिक एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो ये हमारा नोट्स का पार्ट है, तो आपको हेल्प चाहिए तो भी बता सकते हैं आप, ठीक है, तो जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसका मीनिंग,
ठीक है। और उसके बाद उसका मेजर पॉइंट्स, लैक ऑफ सेग्रीगेशन इन एक्स टू, ठीक है, रेसिप्रोकल कोर्सेस शो कंसिस्टेंट डिफरेंस फॉर सच कैरेक्टर। तो ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। और एग्जांपल्स सब पॉइंट वाइज हमको नोट्स बनाना है। मैं बस आपको वेरी ब्रीफली आज बता रहा हूँ, और एक क्लास में हम लोग क्लियरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे कि सिक्स लिंकेज है, इसकी क्या क्या मेजर पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स है, एग्जाम्पल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये सब सिलेबस में है, तो आपको बहुत स्ट्रांगली पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने यूपीएससी मेंस का 1 वीक पहले ये क्वेश्चन दिया था, जस्ट मैं अबाउट 25 क्वेश्चन दिया था, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि अराउंड 12 to 13 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ 25 आई वॉज एबल टू टेल लाइक 12 to 13 क्वेश्चन, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल 25-28 क्वेश्चन होती है, उसमें भी आपको बस अराउंड 15-17 क्वेश्चन ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये है हमारा कि एक्सपीरियंस, ठीक है, खुद हम जब जाते हैं एक्सपीरियंस, तो इसलिए यही मैं बोलना चाहता था। हिंदी में भी सम स्टूडेंट्स वेर आस्किंग, इसलिए सोचा कि हिंदी में भी एक बना दे। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, और जिसको भी कोर्स के बारे में जानना है या कोई हेल्प चाहिए वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, फिर हम मिलते हैं, बात करते हैं। थैंक यू।